देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। भारत की निजी मौसम पूर्व अनुमान एजेंसी स्काईमेट ने साल 2022 के लिए मॉनसून पूर्व अनुमान जारी कर दिया है। पूर्व अनुमान में ये उम्मीद की जा रही है कि साल 2022 का मॉनसून लंबे समय तक रहेगा। साथ ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस साल मॉनसून सामान्य रहेगा और 98% बारिश भी होगी। इंटरनेशनल मार्केट में नेचुरल गैस की कीमतों में तेजी आई है। 13 सालों की ऊंचाई पर नेचुरल गैस का भाव पहुंचा है। नेचुरल गैस का भाव $6.6 के ऊपर निकला है। नेचुरल गैस मौजूदा हफ्ते में 8% से ज्यादा चढ़ा है। कृषि प्रधान राज्य पंजाब में गेहूं की आवक बढ़ने के साथ ही गेहूं के कुल खरीद ने 5 साल में एक रिकॉर्ड बनाया है। सरकारी एजेंसियों ने 10 अप्रैल तक 4.3 लाख मीट्रिक टन गेहूं का खरीद की है, जो 2018 में पहले के उच्चतम शिखर से 38,019 मीट्रिक टन के मुकाबले थी। MCX पर चांदी के दाम काफी उछाल दिखा रहे हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी का दाम 808 रुपए या 1.20% की उछाल के साथ 68,102 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रहा है। भारत में पेट्रोल की बिक्री अभी तक के उच्चतम स्तर पहुंचने के साथ मार्च में फ्यूल की मांग अपने 3 साल के हाई पर पहुंच गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 में पेट्रोलियम उत्पादों की कुल खपत 1.94 करोड़ टन रही। भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली NCR में इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का आलम रहा। गर्मी ने पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि अप्रैल के महीने में ये दूसरी सबसे बड़ी लहर बनी है। विदेशी बाजारों में मिले जुले रुख के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बेहद सामान्य कारोबार हुआ और सभी खाद्य तेल के दाम लगभग पूर्व स्तर पर बंद हुए। सूत्रों ने बताया कि शिकागो एक्सचेंज में 1% की गिरावट थी, जबकि मलेशिया एक्सचेंज में 1.5% की गिरावट रही। वहीं इंदौर में सोयाबीन रिफाइंड के भाव में 5 रुपए प्रति 10 किलोग्राम की तेजी रही। तिलहन में सरसों 200 रुपए प्रति क्विंटल सस्ती बिकी। खाने पीने की वस्तुओं की समान आसमान छूती कीमतें, देश में खुदरा महंगाई मार्च में 6.35% रह सकती है। ये इसका नवंबर 2020 के बाद 16 महीने का उच्च स्तर होगा। ये लगातार तीसरा महीना होगा जबकि खुदरा महंगाई RBI के 6% के ऊपरी दायरे से बाहर निकल जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारत को धमकाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि रूस से तेल खरीद बढ़ाना भारत के हित में नहीं है और वह ऊर्जा आयात में और विविधता लाने में भारत की मदद करने को तैयार है। भारत के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर ने इसका करारा जवाब देते हुए कहा कि भारत जितना एक महीने में रूस से तेल खरीदता है, उतना यूरोप एक शाम में रूस से तेल का आयात करता है। तो कम्युनिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।